वाई के टूर्स एंड ट्रेवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाई के टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज। बिसाइड सफीना होटल कोटला लीजा हैदराबाद। न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर स्लोवाकिया में ट्रेन को लेकर आ रही है, जहां पर ट्रेन और बस के बीच में टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग घायल हैं। राष्ट्रपति बोले हैं कि पीड़ितों के लिए वो दुखी हैं। स्लोवाकिया में ट्रेन और बस के बीच में टक्कर होने के बाद काफी दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, वहीं 5 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेन दक्षिणी स्लोवाकिया में एक बस से टकरा गई थी। इसके फंसे हुए 100 से ज्यादा पैसेंजर्स को बसों की तरफ हंगरी की बॉर्डर पर स्टूरोवो शहर ले जाया जा रहा था। आपको बताने के मामला यूरोप के स्लोवाकिया से आ रहा है, जहां पर एक दिल दहलाने वाली वारदात ने सबको बिठा दिया है। इस हादसे के दौरान यूरोसिटी ट्रेन में 100 से ज्यादा पैसेंजर्स सवार थे। पुलिस और स्लोवाक रेलवे कंपनी ZSSK ने इस बात की इत्तला दी है। कंपनी ने कहा है कि 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हैं। साथ ही ZSSK ने इस हादसे में घायल और मरने वाले के परिवार और परिजनों को अपनी संवेदना भी दी है। ZSSK ने आगे बताया है कि ट्रेन चेक राजधानी पाग से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट जा रही थी, तब ट्रेन दक्षिणी स्लोवाकिया में एक बस से टकरा गई। इसके फंसे हुए 100 से ज्यादा पैसेंजर्स को बसों की तरफ से हंगरी के बॉर्डर स्टूरोवो शहर ले जाया गया। उन्होंने आगे बताया कि हमारे कर्मचारी की मदद से सभी पैसेंजर्स को हादसे से बाहर निकाल लिया गया है। हमारे दिल और संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ हैं। बात अगर आप स्वास्थ्य मंत्री की करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सभी किस्म की इमरजेंसी सेवाएं हादसे पर मौजूद पीड़ितों के परिवार को दी जाएंगी। साथ ही स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने बताया है कि मैं इस मामले से बेहद दुखी हूं और किसी भी मदद से पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे सभी पीड़ितों के लिए बहुत दुख है और उनके परिवार वालों के साथ मेरी मदद जुड़ी है। मैं घायलों के लिए जल्दी से जल्दी बेहतर होने की कामना करूंगा और बचाव टीमों को उनके काम के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। अब अगर बात करें पेरू की, तो भूकंप के तेज झटकों से दहला है पेरू। रिक्टर स्केल पर 6.9 स्पीड नापी गई है। सुनामी की आसार भी जारी कर दिए गए हैं। पेरू में भूकंप के तेज झटकों से धरती हिली है। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस ने ये बताया है कि पेरू के तट के पास तकरीबन 7 का भूकंप आया है। एजेंसी ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर था। US नेशनल सुनामी वार्निंग भी जारी कर चुके हैं। को बता दें कि GFS ने पहले भी भूकंप की स्पीड 6.4 मापी थी। US नेशनल सुनामी वार्निंग स्टेटर के आंकड़ों के माध्यम से भूकंप की सुनामी का खतरा है, जबकि पहले उसने कहा था कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि 7 से स्पीड पर भूकंप आने का मतलब होता है कि रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। एजेंसी ने बताया है कि भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर था। ऐसे में रेड अलर्ट के जा 7 सुनामी की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई है। लोग अपने घरों को छोड़ के किसी महफूज जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो लोग नहीं जा सकते हैं वो अपने घरों के दरमियान ही कोई ऐसे हिस्से बना रहे हैं जहां पर वो बचा जा सके। बात अगर आप करें पाकिस्तान की, तो सिख हमारे कातिल हैं, नहीं बनने देंगे। गुरुद्वारा बनाने को लेकर पाक में बवाल हुआ है, इस पर मुसलमान काफी भड़क चुके हैं। पाकिस्तान की पंजाब सरकार के फैसलाबाद में गुरुद्वारा बनाने की इजाजत के बावजूद वहां के मुसलमान गुरुद्वारा नहीं बनने दे रहे हैं। सवादार से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में लोगों ने अत्याचार का एक और मामला वीडियो पर दिखाया है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब की सरकार ने फैसलाबाद में गुरुद्वारा बनाने की इजाजत ली थी, मगर वहां के मुसलमान इसके हक में नहीं है। साथ ही हिंदुओं और सिखों के खिलाफ वो अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुसलमान समुदाय के तकरीबन 80 साल से बंद पड़े गुरुद्वारे की विरोध करते हुए वहां पर लोग देखे जा रहे हैं। इस वीडियो में अमीन भट्ट नाम का एक प्रोटेस्टर भी शामिल है, जो फैसलाबाद का उप मेयर है। अमीन भट्ट गुरुद्वारे के बाधित करने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसने सिख और हिंदू समुदाय के खिलाफ बोलते हुए जहर उगला है। वायरल वीडियो में भट्ट ने कहा है कि सिख मुसलमानों को छेड़छाड़ और हत्यारे के इल्जाम में हम हमेशा से जानते हैं। हम फैसलाबाद में किसी भी सिख गुरुद्वारे की इजाजत नहीं देंगे। अगर सिख इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अल्लाह के लड़ाकों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि इस तरह की वारदात पाकिस्तान में धार्मिक को लेकर आए दिन आम होती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। वाईके टूर्स एंड ट्रेवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज। सफीना होटल कोटला लीजा हैदराबाद।